दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों में आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत के पास हथियारों की कमी हो रही है। बट क्या सच में भारत के पास हथियारों की कमी हो रही है? सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो मेनली ये न्यूज निकल के आई फॉरेन मीडिया से, फिर इसको थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया। बट एक्चुअल सीन क्या चल रहा है कि सच में भारत के पास हथियारों की कमी हो रही है? तो यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट यह वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस आज की डेट में आप देखोगे तो भारत मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। हमने तेजस बनाया, हमने INS विक्रांत जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हम बंदूक बना रहे हैं, फिर हम तोपें और भी अलग अलग इक्विपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने नहीं बल्कि बेचने पे भी ध्यान दे रहा है और करीब 1000 डिफेंस के रिलेटेड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे बल्कि भारत में ही बनाए जाएंगे। मतलब भारत का मेन फोकस अब हथियारों को खरीदने से ज्यादा खुद बनाने में है। अब आप देखोगे तो इन्हीं चीजों की वजह से कई कंट्री लीडर्स के पेट में दर्द हो रहा है और फिर ये लोग इन मीडिया हाउसेस का सपोर्ट ले रहे हैं और फिर अब ये इंडिया के लोगों में एक गलत यानी कि एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में हथियारों की कमी हो रही है, जिससे कि देश के लोगों का टेंशन बढ़ सके और फिर बाद में गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बन सके। अब आप देखोगे तो ये लोग इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि भारत इन हथियार बनाने वाली कंपनीज का, इन कंट्रीज का बहुत बड़ा बाजार है और अगर भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं विदेशी कंपनीज का होगा और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये लोग ना भारत में गलत नैरेटिव, गलत खबरें चला रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, बस ये एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग इस पर काम कर सकें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।